नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पक्ष पर। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 12.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 12.1 पूरी कर चुके हैं, तो उसके क्वेश्चन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। तो आज हम देखने वाले 12.1 का पहला सवाल, जिसमें दिया हुआ है एक टॉस, जो एक मतलब उसमें एक अड्डू बोला है जिसके ऊपर एक शंकु पड़ा हुआ है। तो अड्डू बोले की है सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर दी हुई है कि इसकी त्रिज्या, शंकु त्रिज्या और अर्धगोलीय त्रिज्या बराबर है और इसकी हाइट भी त्रिज्या की बराबर है, शंकु हेड की त्रिज्या के बराबर है। तो इसका टॉस का आयतन अपन को याद करना है, तो चले करते हैं। तो टॉस का आयतन लिखेंगे अपन, तो टॉस का आयतन बराबर होता है दोनों शंकु के आयतन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा है ना, अंदर बचेगा 1/3 इंटू एच प्लस इधर बचेगा 2/3 इंटू आर। इसको सोल्व करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान, पाई मतलब जो आंसर आएगा पाई के पदों में आना चाहिए, तो पाई का पाई अंदर जाएगा और आर का मान लिखेंगे तो आर का एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर अंदर बचेगा 1/3 एच का मान 1 प्लस 2/3 आर का मान भी 1 ही, ठीक है। तो इधर लिखेंगे पाई इंटू एक, इधर 1/3 इधर गुणा हो जाएगा तो 1/3 ही आएगा, ठीक है। 2/3 इधर भी गुणा हो जाएगा तो ए आएगा, तो पाई को गुणा करेंगे एक से, तो पाई अंदर कॉमन ले लेंगे अपन 3, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर लिखते हैं तो पाई इंटू इधर 3/3, इसे कट गया तो पाई इंटू 1 = π सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।